उपकार गैंग सत्ता का भूखा और धोखेबाज। कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,000 से कम केस, एक्टिव केस भी हुए कम। 1975 के आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग पर सुनवाई आज। भारतीय तटरक्षक में ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए गजेटेड ऑफिसर की भर्ती। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने में एकजुटता हुआ विपक्ष। शेयर बाजार में तेजी से सेंसेक्स 200 आज उछल के 46,000 के पार, निफ्टी 13,500 के ऊपर। नए कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर किसान, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पहाड़ी इलाके में बर्फबारी रहेगी जारी। पाकिस्तानी सेना ने दागे मोर्टार और तोप के गोले, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई चौकियां तबाह। शीतल लहर की चपेट में पहाड़, मैदानी इलाके कांपे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए कोरोना संक्रमित, खुद ट्वीट पर दी जानकारी। मेधा पाटकर व योगेंद्र यादव के नेतृत्व में किसानों ने किया दिल्ली के लिए कूच। कानून के समर्थन में कई किसान संगठन, कृषि मंत्री से मुलाकात, कहा कानून वापस हुए तो प्रदर्शन करेंगे। कोरोना को लेकर बिल गेट्स की चेतावनी, अगले 4 महीने हो सकते हैं बेहद बुरे। ब्रिटेन में हर जगह चीनी एजेंटों की घुसपैठ, कम्युनिस्ट पार्टी का डाटाबेस लीक होने से सामने आई बात। चंद्रमा की सतह के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट रहा है चीनी कैप्सूल। आयुष्मान खुराना के घर आया नया मेहमान, ताहिर कश्यप ने फोटो शेयर करके बताया इट्स अ गर्ल। शोमैन राज कपूर का जन्मदिन, चीन, अफ्रीका और सोवियत यूनियन में आज भी लोकप्रिय हैं। सलमान खान ने घरवालों के साथ की मस्ती, राहुल वैद्य की हो सकती है एंट्री। टाटा ग्रुप आज एयर इंडिया के लिए दाखिल करेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। रिजर्व बैंक जयपुर में बनाएगा ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। अमिताभ बच्चन ने मांगी रेमो डिसूजा के जल्दी ठीक होने की दुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सोनू की बोल्ड तस्वीरें हुई वायरल। चीन की बजाय यूपी में बनेंगे सैमसंग के डिस्प्ले, सरकार से मिलेंगे 5,000 करोड़ रुपए की मदद। नए कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर किसान।